हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे EWS सर्टिफिकेट के बारे में। एक बड़ी खबर आई है 10% आरक्षण के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो पूरा देखें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये खबर आई है 10% आरक्षण के खिलाफ सुनवाई 30 जुलाई से। तो दोस्तों, ये पूरी खबर हम पढ़ते हैं। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को नौकरियों और दाखिलों में आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 30 जुलाई से विस्तृत सुनवाई करेगा। तो दोस्तों, जो 10% आरक्षण है, जो आर्थिक रूप से जनरल कास्ट में जो है उनके खिलाफ दायर की याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो 30 जुलाई से सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने सोमवार को मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। जस्टिस ASA बोबडे की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि मामले में विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरक्षण के लिए किए गए संविधान संशोधन पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन पीठ ने इसे इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम फिलहाल इस पर रोक नहीं लगा सकते। शीर्ष अदालत में कई जनहित याचिकाएं दायर कर संविधान अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में आर्थिक आधार पर बना संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करार दिया गया था। तो दोस्तों, जो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो दो उनकी जो याचिकाएं आर्थिक आधार पर संविधान के मूल रूप ढांचे में जो बदलाव करार दिया था उसके खिलाफ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई थी, और दोस्तों उस पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो अब जो विस्तृत जानकारी वो 30 जुलाई को करेगा। और दोस्तों, देखते हैं कि 10% आरक्षण के लिए अब नई अपडेट क्या आती है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है, और 30 जुलाई को इसके बारे में पूरी तरह जानकारी आएगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने अपडेट करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।